रामपुर चौक के अंतर्गत रिद्धि चौक पर संचालित भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर लॉकर में रखे करीब 3 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोर सेवा केंद्र का छज्जा तोड़कर भीतर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर भीतर प्रवेश कर ही रहे थे कि पास में मौजूद सेवता नर्सिंग होम में मौजूद लोगों ने चोरों को देखा, जिसके बाद 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने चोरों को भागते हुए देखा, लेकिन सफल नहीं हो सके। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रामपुर पुलिस चौक के अंतर्गत चोरी की एक बड़ी वारदात रिद्धि क्षेत्र में हुई। रिद्धि चौराहे पर संचालित भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर 3 लाख रुपए की चोरी अज्ञात चोरों ने कर ली। पिछली रात इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि चोर जब ग्राहक सेवा केंद्र का छज्जा तोड़ रहे थे, तब श्वेता नर्सिंग होम में मौजूद लोगों ने आवाज़ सुनी और चोरों को देखा भी, जिसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई। नर्सिंग होम के मैनेजर ने सेवा केंद्र के संचालक को भी इस बारे में अवगत कराया। सूचना मिलने पर डायल 112 के कर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने चोरों को देखा, लेकिन जब तक वे चोरों को पकड़ते, चोर झाड़ियों में ओझल हो चुके थे। भागने के दौरान उन्होंने 40,000 रुपये भी यहाँ पर गिराए। जब मैं यहाँ आया तो 112 वाली टीम आ चुकी थी और उन्होंने उस चोर को भागते हुए और उनको पकड़ने का कोशिश किया, और लेकिन वो हाथ नहीं आया। चोर कहाँ से घुस रहा था? ये ऊपर सा सीट से चढ़ के तोड़ा और इसी से भागा। श्वेता नर्सिंग के स्टाफ लोग भी देखे हैं, ऊपर अच्छा से दिख रहा था। हाँ, क्या दिख रहा था? उन लोग का क्लियर तो उन्हीं लोग बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा ऊपर का। और एक लकी करके जो है लड़का, वो भी बोल रहा था कि मैं देख रहा था कि वो चेहरा ढक के ऊपर चढ़ने का कोशिश किया है, मैं उसको निगरानी कर रहा था। रकम भी गिरे थे बाहर? हाँ, रकम हम लोग को 40,800 समथिंग जब वो कूद के भाग रहा था तो नीचे पड़ा हुआ मिला। SBI ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी और रामपुर चौकी के सहायक उप निरीक्षक मौके पर पहुंचे और रात भर चोरों की तलाश करते रहे, लेकिन सफलता से दूर रहे। सुबह सुबह डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और चोरों के द्वारा छोड़े गए चप्पल और अन्य सामानों की गंध लेकर सुराग तलाशने का प्रयास किया। स्निफर डॉग बाघा ने इस दौरान झाड़ियों का रुख किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले का खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। सूचना मिली कि श्वेता नर्सिंग होम के सामने रिद्धि चौक के पास एक ग्राहक सेवा केंद्र में कुछ चोरी की वारदात हुई है, जिसपे तस्दीक के लिए समस्त स्टाफ के साथ यहाँ पर आए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें डॉग स्क्वाड को ही बुलाया गया है और जल्द ही इस मामले को खुलासा कर लिया जाएगा। वर्ष 2015 से रिद्धि चौराहे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जहां पर लोगों को पैसे जमा करने और निकालने के साथ ही खाता खोलने की सुविधा दी गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में चोरों के नज़दीक पहुँच गई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।